धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपका, सदन का और माननीय सरकार का, सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय पर मैं ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं। महोदय, पटना विश्वविद्यालय बिहार का ही नहीं, देश का एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी महोदय, और 100 वर्ष से अधिक हो गए इस विश्वविद्यालय का, और पूरे भारत का 7वां विश्वविद्यालय है, ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय है। और मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर बहुत देश में है। कई महापुरुषों ने इस विद्यालय से निकल करके देश की सेवा की है, समाज की सेवा करने का काम किया है। कई राजनेता, दो राजनेता तो सर बैठे हैं, एक तो अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, माननीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम किए हैं, रविशंकर जी, और कई माननीय राजनेता, जो प्रकाश जी का कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्रकवि दिनकर जी का है, साहित्यकार उषा किरण जी का है, बहुत महत्वपूर्ण सर, बहुत संवेदनशील मामला, इस पर मैं आपका और आप सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं सर। संवेदनशील, 100 वर्ष पुराना हो गया सर, इसकी शताब्दी वर्ष भी मनाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके मुख्य अतिथि थे, शिरकत किए थे। और मुझे याद है सर, जब अश्विनी कुमार चौबे जी माननीय मंत्री हैं अब, जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे 1977 में, तो पूरे देश के छात्र संघ के पदाधिकारियों की एक सम्मेलन 3 दिवसीय कराई थी, और उस समय निर्णय हुआ था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री भाई मोरारजी भाई देसाई, जिन्होंने बुलाया था डेलीगेशन को, और उस समय भी आश्वासन देने का काम किया था। राज्य की सरकार न जाने कितनी दफा केंद्र की सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया है केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। मैं पुराना मेंबर हूं सर, 6 बार मैं सांसद रह चुका हूं, कोई ऐसा साल नहीं था जब मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के मांग को लेकर के सदन में ध्यान आकर्षित कराएंगे, आज तक सर सुनवाई नहीं हो सकी। मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय संसाधन मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, विशेष तौर पर हाथ जोड़ करके आपसे भी प्रार्थना करता हूं, हस्तक्षेप कीजिए, और पूरे भावना, पूरे देश की भावना से जुड़ी हुई है, इसमें से ना निकल के देश के हर भाग में लोग श्रीमती सर सर सुन अंतिम तो सुन लिया जाए सर। मैं लगातार 3 दिन से प्रयास कर रहा हूं, बड़ी कृपा हुई, महती कृपा हुई कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। तो मैं कष्ट और पीड़ा, लोगों की डिमांड है सर, पूरे पूरे बिहार के लोगों का मन भावना है, डिमांड है सर, इसको पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए सर, बड़ी कृपा होगी सर। इससे मैं पुनः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि अविलंब कार्रवाई किया जाए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, पूरा बिहार आभार रहेगा सर। श्रीमती आभारी मनी, बहुत धन्यवाद सर आपका।